गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग कुछ नया डिस्कस करने जा रहे हैं। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये एक यूनिट है बड़ी छोटी सी 11th में। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके वेटेज की बात करता हूँ तो बहुत ज्यादा वेटेज ये नहीं रखती, सिर्फ 3 मार्क्स का वेटेज रखती है। लेकिन चूंकि हमें तो 70 out of 70 चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें इसको बहुत अच्छे से करना होगा। डिस्टेंस इसकी वेटेज को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा हमें यहां देखने में मिलता है कि इट इज वेल नेसेसरी फॉर केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में भी आप लोग केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्कस करेंगे, यहां भी डिस्कस करेंगे, दोनों ही जगह इसकी वेटेज होगी। और अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो चूंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ऑलमोस्ट कॉमन चीजें हैं केटीजी के अंदर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई होप सो आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी उनकी थोड़ी बहुत जरूरत हम लोगों को यहाँ पे पड़ेगी। एज यूजुअल एडल फर्स्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा केटीजी यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में सिलेबस को लेकर के। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, डियर स्टूडेंट्स यहां हम लोगों को ये कंसिडरेशन में लेना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट गैस के बारे में डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, नेचर में परफेक्ट गैसेस हम लोगों को नॉर्मली मिलती नहीं है, लेकिन हम लोग पहले आइडियलिज्म में जाते हैं, परफेक्ट गैसेस को एक आइडियल कॉन्सेप्ट के फॉर्म में डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसमें कुछ एजम्पशंस के साथ नेचुरल गैसेस के पास आ जाते हैं और हम नो डाउट केमिस्ट्री में एज वेल एज फिजिक्स में काफी कुछ अच्छा काम कर पाते हैं। जो गैसेस की बिहेवियर है उसको हम लोग यहां से समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं। सेकेंड टॉपिक हम लोगों का आता है वर्क डन इन कंप्रेसिंग ए गैस। किसी गैस को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो वर्क डन कितना होगा, कैसे करना होगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने पीडीवी की बात की थी, तो उससे ही रिलेटेड हमारा आएगा। लेकिन यहाँ टेम्परेचर को जरूर हम लोगों को इंक्लूड करना होगा। काइनेटिक ऑफ गैसेस में हमें एजम्पशंस क्या लेने हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर क्या है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर क्या है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एनर्जी क्या है, ये चीजें हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी है। डिस्टेंस टेम्परेचर का रोल क्या है इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सेकंड लास्ट टॉपिक हम लोगों का होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। जस्ट लाइक हम लोग किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए उस डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हम लोगों को करनी होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन की बात हम लोग करेंगे। जो भी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम वो किस तरह से होगा, ये बात हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी होगी। देन आफ्टर जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन है उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट्स के लिए अप्लाई करेंगे। एवोगाड्रो नंबर क्या है ये बात हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ तक लैब की बात है, तो देखिए लैब में आप एक्टिविटीज तो यहाँ बहुत सारी कर सकते हैं, काफी सारी चीजें शो कर सकते हैं, लेकिन एज इज इट इन सिलेबस हम लोगों को बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं दे रखा होता। जहां तक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो भी आप लोग यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ कोई एज सच लिस्ट में नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो आप लोग या हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा बॉयल्स लॉ का। देखिए बॉयल्स लॉ क्या है, हमने हाईलाइट किया हुआ है, ब्रीफ किया हुआ है। दो बातें ध्यान रखनी है, बॉयल्स लॉ किन किन क्वांटिटीज के बीच में है और किस क्वांटिटी को हम लोगों को कांस्टेंट रखना होता है। डियर स्टूडेंट्स, रेड से मैंने बात किया है। जब बॉयल्स लॉ की बात करेंगे तो टेम्परेचर को हम लोग कॉन्स्टेंट रखेंगे और ये वॉल्यूम एज वेल एज प्रेशर इनके बीच में रिलेशनशिप को बताएगा। स्टूडेंट्स, कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर को इंडिकेट करने वाला, शो करने वाला, रिलेशन बताने वाला जो लॉ है उसे हम लोग बॉयल्स लॉ कहते हैं। जैसा मैं प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं, हम लोगों को किसी भी स्टेट को शो करने के लिए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की बात करनी होती है। तो नो डाउट इस कॉन्सेप्ट में टेम्परेचर को हम लोग कॉन्स्टेंट रखने वाले हैं और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप देने वाले हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ के अगर मैं मैथमेटिकल एस्पेक्ट की बात करता हूं तो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर,
या मैं कह सकता हूं पी इंटू वी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, और जब कॉन्स्टेंट है तो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, अगर डिफरेंट स्टेट्स की मैं बात करता हूं तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग मेरे को ये रिलेशन मिल जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात अगर हम लोग करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, चूंकि इनवर्स रिलेशन है तो इनवर्स रिलेशन को लेकर के हम लोग इस तरह का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ध्यान रहे हमारे पास वही तीन चीजें हैं पी वी टी, तो टी को हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंट मेंशन करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, एज यूजुअल एसआईयू सिस्टम की यूनिट्स को लेते हुए, यहाँ पे मैं मीटर क्यूब ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं पास्कल ले सकता हूँ, तो इन यूनिट्स को लेते हुए ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो चूंकि यहाँ पे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है तो ये ग्राफ मेरे को इस शेप में मिलेगा। अब यही कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस ग्राफ को लेकर के, तो देखिए कुछ नहीं है, ये प्रेशर है और वन अपॉन वी है। मैं यहां से क्या देखता हूं, मैं इस चीज को ऐसे पढ़ सकता हूं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का कॉन्सेप्ट आ गया तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मेरे को मिलने वाला है जिसको मैंने यहां पे शो किया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। केमिस्ट्री में ये सारे आपने पढ़ रखे हैं, फिर हम यहाँ ब्रीफ कर रहे हैं, अगेन वही चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक क्वांटिटी को कांस्टेंट करेंगे, बाकी दो के बीच में रिलेशनशिप देंगे, तो यहाँ प्रेशर को हमने कांस्टेंट किया हुआ है या चार्ल्स ने कांस्टेंट किया हुआ है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे या उनके बीच में रिलेशन देना चाहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ द प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट then the volume of given mass of a gas increase or decrease, very simple सी बात है, जब temperature बढ़ाओगे तो increase होगा volume और जब temperature down करोगे तो decrease होगा volume, by a 1 upon 273.15 of its volume at 0 degree Celsius for each degree Celsius rise and drop in temperature। तो dear students, मैं समझता हूँ ये define आपको clear हो गई होगी। यहां से मैं सीधे सीधे कह सकता हूं P by T is constant या P is directly proportional to T, where P is a volume, T is a temperature. Keep in mind, आपको ऐसा ही सिस्टम में ग्राफ प्लॉट करना है, तो that is T, that is V और direct proportional relation है, इसलिए हमारा straight line करवाएगा ये। Questions, Gay-Lussac law की बात हम लोग करते हैं। Gay-Lussac law में further हम लोगों को वही तीन क्वांटिटी कंसिडर करनी है। हम यहाँ वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट करेंगे, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट करेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप हम लोगों को यहां से मिलेगी। डिफाइन हम लोग दे सकते हैं, प्रेशर ऑफ ए गिवन मास, प्रेशर ऑफ ए गिवन मास। अब देखिए मास भी यहां पे हम लोगों ने कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट किया हुआ, डेंसिटी तो कॉन्स्टेंट रहती है, जब डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहती है वॉल्यूम हमने कॉन्स्टेंट रखा है तो ऑब्वियसली मास हमारा कॉन्स्टेंट हो गया, इसलिए हम लोगों ने यहां पर लिखा इट स्टेट्स दैट इफ द वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट the pressure of a given mass of a gas increases or decreases by 1 upon 273.15 of its pressure at 0 degree Celsius for each 1 degree Celsius rise। अब देखिए ये each 1 degree Celsius of rise कहे या 1 Kelvin कहे doesn't matter, because जब आप सब जानते हैं degree Celsius और Kelvin numerically कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, चेंज इन डिग्री सेल्सियस की बात करें या चेंज इन केल्विन की बात हम करें तो न्यूमेरिकली सेम रहता है, सेम रहता है तो हम लोग कोई भी चीज ले सकते हैं। यहां से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसको लिखा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कीपिंग वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन तीनों लॉज को आपस में मिला दूं तो बड़ा मजेदार सा केस मिलता है, दैट इज पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, where P is the pressure in SI system, V is the volume in SI system, N is the pure number. Exactly is N को हम लोग number of moles भी कहते हैं, तो pure number है ये. R is a universal gas constant, इसके बारे में भी और हम लोग description देंगे, where T is a temperature, और temperature T must be measured in Kelvin. क्वेश्चन जब डेल्टा टी की बात करते हैं तो आपका मन है केल्विन में मेजर करो या डिग्री सेल्सियस में करो, लेकिन जब टेम्परेचर को मेजर करोगे तो केल्विन में करोगे। परफेक्ट गैस इक्वेशन की बात हम लोग करते हैं तो PV equals to nRT हम लोगों ने लिखा, n यहाँ पे number of moles है dear students। अब देखिए ये बड़ा important aspect है, यहाँ से शुरुआत होती है आप लोगों की KTG, वो तो briefing थी, ठीक है, जरूरत थी हम लोगों ने कर लिया उसको। देखिए ये कुछ concepts अगर आपके clear होंगे तो सब कुछ clear होता चला जाएगा। For one mole of a gas, the constant has same value for all gases and is called universal gas constant.
जो आर है इसको हम लोगों ने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा है और हर गैस के लिए सेम होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, एक मोल हम लोगों को गैस का कंसीडर करना है। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया था, हियर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो अगर मैं यहां पे एन इक्वल्स टू वन कंसीडर कर लेता हूं तो ऑब्वियसली पीवी इक्वल्स टू आरटी मेरे को मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं एन मोल्स के लिए बात करता हूं तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी मेरे को मिलेगा। तो मुझे PV equals to RT कब लगाना है, PV equals to NRT कब लगाना है, कुछ बुक्स जो है इस N को म्यू भी लिखती हैं, जस्ट लाइक म्यू। तो डोंट बी हिप्नोटाइज, नंबर ऑफ मोल्स है, आप म्यू से डिनोट करते हैं या स्मॉल n से डिनोट करते हैं, डजंट मैटर, ये नोटेशन है बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज द परफेक्ट और आइडियल गैस इक्वेशन इफ V इज अ वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मास ऑफ द गैस। अब देखो बच्चों, यहां हम लोग जो क्वांटिटी ऑफ गैस है उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में मेजर करके इक्वेशन ऑफ गैस को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने दो चीजें तो यहां पे पढ़ ली, क्या पढ़ ली, पहला पढ़ लिया PV इक्वल्स टू RT, दूसरा पढ़ लिया PV इक्वल्स टू NRT। अब तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, इफ V इज द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मास ऑफ द गैस and m not is the molecular mass। Dear students, molecular mass की बात की, 1 gram mass की बात की, तो मैं इन दोनों चीजों की help से number of moles को calculate कर सकता हूं। तो exactly the number of moles is equals to mass of the gas in gram over molecular mass। Dear students, molecular mass को capital m not से denote किया है हमने। अब mass of गैस की बात हम लोग करते हैं तो यहां से हम लोग इस चीज को डाल सकते हैं, क्या PV equals to 1 upon m not RT। Dear students, अगर मैं यहां R over m not की बात करता हूं तो exactly it will be written as small r, that is here। Dear students, this is the perfect gas equation for 1 gram of the gas। अगर मैं 1 ग्राम क्वांटिटी ले लेता हूं इन टर्म्स ऑफ मास, तो ऐसी स्थिति में 1 ग्राम गैस के लिए जो परफेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन होगी वो होगी PV इक्वल्स टू स्मॉल r। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। स्मॉल r हमने यहां पे क्या मेंशन किया हुआ है, दैट इज कैपिटल R ओवर m नॉट। जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, वो 1 ग्राम के लिए पूछ रहा होता है, आप 1 मोल के लिए देते हो, वो 1 मोल के लिए दे रहा होता है, पूछ रहा होता है, आप जो है उसके मॉलिक्यूलर मास के लिए देते हो। तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ टेकिंग वेरिएबल्स इन ए न्यूमेरिकल। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए इक्वेशन मेरे पास हो गई PV इक्वल्स टू स्मॉल r की, और स्मॉल r की वैल्यू है इस कैपिटल R ओवर m नॉट। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, इस चीज को मैंने यहां मेंशन भी किया हुआ है। Now we are moving towards the Boltzmann constant. Again, a further notation be there. Yeah, Boltzmann constant equals to R over Na, where Na is the number of moles and R is the universal gas constant and Kb is the Boltzmann constant. So simply you may write here number of moles, that is number of molecules N over Avogadro number. Ab dekhiye, कोई बच्चा यहां हिप्नोटाइज नहीं होगा, ये सारी की सारी प्योर केमिस्ट्री है। क्या मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करता हूं तो निश्चित रूप से मुझे क्या मिलता है, नंबर ऑफ मोल्स मिलता है। तो नंबर ऑफ मोल्स को लाने का मेरा दूसरा तरीका, मैं पहला तरीका यहां ऊपर डिस्कस कर चुका हूं, ग्राम में मैं गैस ले लेता हूं और मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। इसी तरीके से मैं यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेता हूं और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करता हूं तब भी मेरे को नंबर ऑफ मोल्स मिलता है। तो सिंपली डियर स्टूडेंट्स, वी विल राइट हियर PV इक्वल्स टू NRT, कैपिटल N ओवर NA, KB NA P। यहां से आप इसको क्या सारा कुछ सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा PV इक्वल्स टू KB NA, KB हियर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड S इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। So whenever you are going for a gas equation in terms of number of molecules, then you have to write simply what? PV equals to KB NA. Whenever you are going for ideal gas equation for a
molecule, then simply you have to write here PV equals to KV NT, where N is the number of molecules. अब single molecule है तो KBT आपका हो जाएगा. PV equals to KV, that is Boltzmann constant into T. ये किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा one molecule के लिए. तो बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि कब हमें वो वन मोल के लिए निकालना है, कब वन मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, कब हमें ग्राम के लिए निकालना है. तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है. अब हम काफी देर से आर के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट को मैं यहाँ डिफाइन करना चाहूंगा. नो डाउट मैं यहाँ इसकी यूनिट्स निकालना चाहूंगा. देखिए बड़ा आस्पेक्ट मजेदार था, वहीं से मैंने उठाया आर इक्वल्स टू पीवी ओवर एनटी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टेंपरेचर. इन सबकी यूनिट्स को अगर मैं डालता हूँ, प्रेशर इनटू वॉल्यूम मेरे को वर्क डन देता है, नंबर ऑफ मोल्स की कोई यूनिट होती नहीं है, टेंपरेचर की यूनिट डालूंगा, तो यहाँ से ऐसा यूनिट सिस्टम में कैपिटल आर की यूनिट्स मेरे को मिल जाएंगे. सीजीएस में डालना चाहता हूं तो मैं ये भी डाल सकता हूँ. स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे एसटीपी की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. बहुत बार लिखा आता है, दो चीजें मिलती हैं आप लोगों को. क्या मिलती है? एक तो मिलता है एनटीपी, एक मिलता है एसटीपी. यह है नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यह है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आप लोगों को स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे निकालने होते हैं, तो मैं यहां स्टैंडर्ड प्रेशर को डिफाइन कर रहा हूं. एग्जैक्टली स्टैंडर्ड प्रेशर इज वन एटमोस्फेरिक प्रेशर, 1 atm. 1 atm कितना होगा जी? 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्करी कॉलम कंडीशंस. तो दैट इज हियर 0.76 13.6 × 10^3 × 9.8. यहां हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है एच रो जी. नए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी तो पीछे सबको पता ही है कि हम लोग प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं. सारी की सारी पैरामीटर्स मैंने एसआईयू सिस्टम में लिए हैं, तो मेरा जो वन एटमोस्फेरिक प्रेशर है जिसको मैं स्टैंडर्ड प्रेशर के नाम से जानता हूं, ये मेरे पास ये निकल के आता है. इसी तरह से स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करता हूं. एग्जैक्टली स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो हमारा 273.15 केल्विन है. वॉल्यूम ऑफ द वन मोल ऑफ गैस मैं एसटीपी पर निकालना चाहूं तो वो मेरे को मिलता है 22.4 लीटर. डिस्टेंस लीटर है तो इसको मेरे को ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करना ही चाहिए. दैट इज 22.4 × 10^-3 मीटर क्यूब. बिल्कुल बिगिनिंग से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं. तो इस तरह से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं आर की एसटीपी पर, दैट इज 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन. ये कॉन्सेप्ट है किसका? आर के बारे में, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट के बारे में. आर के बेसिस पे मैं स्मॉल आर भी निकाल सकता हूं पर्टिकुलर सिनेरियो में, एज वेल एज मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केबी भी निकाल सकता हूं. तो बड़े आराम से डियर स्टूडेंट्स इन चीजों को हम लोग कर सकते हैं. ये अभी ब्रीफिंग है, सही पूछो तो केटीजी की एक से टर्मिनोलॉजी है. यहां टर्मिनोलॉजी मैथमेटिकल है तो थोड़ा प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है. चलिए डियर स्टूडेंट्स अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा. सीजीएस में वैल्यू निकालने की बात करेंगे तो 1.98 कैलोरी मोल पर डिग्री सेल्सियस आएगा. और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केबी की बात करेंगे, जैसा मैंने अभी कहा था, तो केबी इज आर ओवर एन ए, वेयर एन ए इज अ एवोगाड्रो नंबर. डियर स्टूडेंट्स तो एवोगाड्रो नंबर से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट मिल जाता है. आई होप सो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी. मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ऐसा है जो कि आपको परेशान कर रहा होगा यहाँ पे. आई थिंक आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. अब मैं आइडियल गैसेस के बारे में बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स. देखिए हम सारा पढ़ रहे हैं आइडियल गैसेस के लिए, तो इसके एजम्पशंस की बात भी हम लोगों को करनी होगी कि आइडियल गैस हम कहते कैसे हैं. बेसिकली आइडियल गैस हमारी ऐसी गैस होती है जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को पूरा पूरा फॉलो करती है, हर टेम्परेचर पर और हर प्रेशर पर. पहली बात. दूसरी बात, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल. जो आइडियल गैस है उसके मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो हम लोगों को कैसा कंसीडर करना है? नेग्लिजिबल करना है. अब देखिए दोनों ही बातें यहां कंट्रोवर्सियल है. ना तो कोई ऐसी गैस होती है जो हर टेम्परेचर पर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर ले, ना ही कोई ऐसी मॉलिक्यूल पॉसिबल है जिसका साइज जीरो हो या नेग्लिजिबल हो. तो अब आइडियलिज्म तो यही खत्म हो जाती है. लेकिन हम लोगों को ये एजम्पशंस लेते हुए अपनी बात करनी है, फिर हम इसमें कुछ क्या डालेंगे, चीजों को एड ऑन करेंगे और फिर रियल गैस के लिए बात करेंगे. लेकिन अभी हम लोगों को आइडियल गैस ही पढ़ना है. देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस.
कोई भी मैं आइडियल गैस का कंसीडर लेता हूं, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी फोर्स ना तो रिपल्सन का ना तो अट्रैक्शन का काम कर रहा होगा, इज एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम नहीं कर रहा होगा। हम लोगों के ग्रेविटेशनल फोर्सेस को भी इग्नोर करना है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ये ग्राफ दे रखा है, आइडियल गैस का जो बिहेवियर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, आर के लिए इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी आर की, लेकिन जो आइडियल गैसेस नहीं है, रियल गैसेस नहीं है, वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वैल्यू लेती हैं। तो ये बात आप लोगों को यहां पे समझनी है कि आइडियल गैस का बिहेवियर जो है वो आर के लिए किस तरह का रहता है, यानी आप किसी भी टेम्परेचर पे ले जाए आइडियल गैस के लिए आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है, जबकि जो हमारी नेचुरल गैसेस हैं उनके लिए आर की वैल्यू को कॉन्स्टेंट हम लोग नहीं कह सकते। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहां अगर हम पी और बी के बीच में बात करना चाहें तो पी और बी के बीच में ग्राफ हम लोग डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर देख सकते हैं। तो आइडियल गैस जो है वो मेरा ऑलमोस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिहेवियर को ऑलवेज एग्जिबिट करेगी, शो करेगी। चलिए जितना छोटी छोटी सी चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस की डियर स्टूडेंट्स, इसके बेसिस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल के बेसिस पर हमें ये पता लगेगा कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो हमें कितना समझ आ गया। पढ़िए एक बार, जरा देखते हैं ऐसे क्या है। एग्जाम्पल नंबर वन, ए गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर मेरे को जो दे रखा है वो 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अगर मैं इसे केल्विन में कंसीडर करता हूं, दैट इज 273 प्लस 27, तो ये मेरे को केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। अभी मुझे नहीं पता वो मुझसे क्या पूछ रहा है, लेकिन जैसे उसने कहा तो मेरे माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए। सिलेंडर हैज ए वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर एंड प्रेशर। अब देखिए इस टेम्परेचर पर जो इसका वॉल्यूम है वो 4 लीटर है। अब डियर स्टूडेंट्स, लीटर जो है वो एसआई सिस्टम का तो है नहीं, तो इसको मेरे को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। साथ के साथ साथ में है प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा एसआई सिस्टम में है तो इसको मुझे एज इट इज एसआई में रख लेना चाहिए। ये गिवन पैरामीटर्स है, टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम तीनों चीजें हैं। अब वो कहता है फर्स्ट पार्ट में, गैस इज फर्स्ट कंप्रेस्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यानी आपने टी को क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट कर दिया, तो ऑब्वियसली पी और बी के बीच में रिलेशन आएगा जैसा हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं लॉज के अंदर। सो दैट प्रेशर इज, अब जो नया प्रेशर है इसको कंप्रेस किया कितना आ गया, 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम, आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। अब देखो जो आप लोग इक्वेशन पढ़ रहे थे जिसमें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बात की थी P1 V1 equals to P2, याद करो बच्चों। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डाल करके निकालने की कोशिश भी करता हूं तो V2 मेरा फाइनल वॉल्यूम आएगा और मुझे निकालना है क्या, चेंज इन वॉल्यूम। तो मुझे बिल्कुल केयरफुली वर्क करना है। वो मेरे से क्या पूछ रहा है, वो मेरे से पूछ रहा है चेंज इन वॉल्यूम। तो नो डाउट चेंज इन वॉल्यूम का मतलब मुझे डेल्टा V निकालना है। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि मेरे को V1 डिफरेंस V2 निकालना है। अब ऑब्वियसली वो कंप्रेस कर रहा है तो V2 छोटा होगा, V2 छोटा होगा तो आप लोग कह देंगे कि नया वाला वॉल्यूम जो है वो कम है। अब पहला पार्ट, ये सारी मैंने चीजें लिखी। अब देखो यहां P1 V1 equals to P2 V2 की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर आप इसे लीटर में रख के भी अपना काम करते हो तो फाइनल आंसर भी आपके लीटर में आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो गलत है, इसको SI सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना चाहिए और यहां फाइनल आंसर भी SI सिस्टम में लाना चाहिए। यहां जो डेल्टा V है वो भी आप लोगों का SI सिस्टम में ही आना चाहिए। डिस्टेंस इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इट इज देन हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब जो नया मेरा पार्ट है उसमें क्या है, वॉल्यूम मेरा कॉन्स्टेंट है। डिस्टेंस सेकंड पार्ट में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है और उसको हीट किया है। हीट किया है तो देखिए T1 तो मेरे पास 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा था, T2 कह रहा है वो कितना, 127 डिग्री सेल्सियस है। क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है नया प्रेशर। अब चेंज इन प्रेशर नहीं पूछ रहा, अब पूछ रहा है नया प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट, जिस समय हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हम लोग इसको लिखते हैं क्या, जल्दी बोलो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जल्दी बोलो, P1 ओवर T1 इक्वल्स टू P2 ओवर T2।
ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिलता है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इसमें डाल करके इसको इजिली निकाल सकता हूँ। तो जो हम लोगों ने अभी लॉज पढ़े थे, वाइस लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ, उन्हीं के बेसिस पर ये छोटा सा न्यूमेरिकल आप लोगों को याद रखा है। यूनिट्स कन्वर्ट करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन सही तरीका वही है। यूनिट कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सारे रेशियोज आ रहे हैं, तो आपका आंसर सेम यूनिट में जो यहाँ दे रखे हैं उसमें आ जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन कैसे करना है वो समझ लीजिए। यहाँ पे प्रेशर हम लोगों को दिखा रखा है, पी2 हम लोगों को दिखा रखा है, वॉल्यूम हम लोगों को दिखा रखा है। पहला हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट डाला अकॉर्डिंग टू व्हाट, बॉयल्स लॉ। जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, बॉयल्स लॉ के बेसिस पे हम लोगों ने P1 V1 equals to P2 V2 डाला, यहां से वॉल्यूम निकाल दिया, चेंज इन वॉल्यूम निकाला, तो देखिए वही काम कर रखा है, चेंज इन वॉल्यूम निकाल रखा है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो टेम्परेचर यहाँ पे हमने केल्विन में सबसे पहले निकाल दिया, फिर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, फिर हम टेम्परेचर P2 की बात कर रहे हैं, सारी चीजों को हम लोगों ने SI सिस्टम में प्लेस कर लिया डियर स्टूडेंट्स। अब जहां हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो गैलुसेक लॉ हम लोगों को यूज करना होता है डियर स्टूडेंट्स। गैलुसेक लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया क्या, P2 ओवर P1 इक्वल्स टू P2 ओवर T1। तो आप इस वैल्यू को डालेंगे और आंसर अपना निकाल के दे देंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं असाइनमेंट में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप इनको करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप सिंपली व्हाट्सएप करेंगे, I will explain personally. और अगर ज्यादा बच्चों का डाउट आएगा तो I will discuss in next class. Dear students, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, no doubt, काम करने में मजा आएगा आप लोगों को, तो क्वेश्चंस करने हैं, लगाने हैं as assignment. अब मैं next topic की बात करता हूँ, जो हमारा main topic है वो है KPG, kinetic theory of an ideal gas. ये जो ऊपर अभी हम लोगों ने क्लास दी approximately आधा घंटे की, इस क्लास में ब्रीफिंग हम लोगों ने एक तरह से की, जो हम भूल गए थे बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को एंड गैलुसेक लॉ को, उसको रिकॉल कराया, उसके बेसिस पे कुछ छोटी सी एक्सरसाइज देकर के, कुछ न्यूमेरिकल्स देकर के ये कोशिश की कि आपको वो सारी चीजें प्रॉपरली रिकॉल हो जाए। अब हम KTG की बात करते हैं, तो KTG में करंट थ्योरी ऑफ गैसेस में देखिए, हम यहाँ टॉपिक में ही देखना है क्या आइडियल गैसेस के लिए पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ एजम्पशन तो मेरे नहीं पड़ेंगे। अब एजम्पशन की बात हम लोग करते हैं, तो एक एक एजम्पशन को मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और नॉर्मली आप लोगों के एग्जाम में ये assumptions कई बार लिखवाने के लिए, लिस्ट करने के लिए आ जाते हैं, या वन मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको टिक करने के लिए आ जाते हैं। All gases consist of molecules, सारी की सारी गैसेज जो हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी हुई हैं, मॉलिक्यूल्स रिजिड होते हैं, ये इलास्टिक स्फीयर की तरह से काम करते हैं, और सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, यानी जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो साइज में आइडेंटिकल होंगे, साइज में स्फेरिकल होंगे और रिजिड होंगे। पहला एजम्पशन। दूसरे एजम्पशन की बात करते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, जो मॉलिक्यूल्स का साइज है वो बिल्कुल छोटा हम लोगों को कंसीडर करना है, बिल्कुल छोटा लेना है, एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए ये मेरे पास कोई सिस्टम है, यहां पर ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब जो मॉलिक्यूल का साइज है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपेरेटिवली काफी छोटा है, या मैं कहूंगा नेग्लिजिबल है। डियर स्टूडेंट्स, जब 100 टाइम्स का डिफरेंस हो जाता है, 1000 टाइम्स का डिफरेंस हो जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि साइज हमारा नेग्लिजिबल है। जैसे हाथी के कंपेरेटिव एक चींटी का साइज जो है, एक आंट का साइज जो है, वो कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है। डियर स्टूडेंट्स, एजम्पशन नंबर थर्ड की बात हम लोग करें, The molecules are in state of continuous random motion. Molecules जो है वो कहीं भी stationary नहीं होते, ideal gas के, वो हर समय rapid random motion में होते हैं, यानी कोई भी molecule आपको rest में नहीं मिलेगा, वो किसी भी possible side में क्या कर रहा होगा, travel कर रहा होगा। इसके बाद assumption number 4, during the random motion, the molecules collide with one another and with the walls of the vessel. जब ये molecules यहाँ पे rapid random motion ले रहे होंगे, तो वो आपस में भी टकरा सकते हैं और जो container की walls हैं उनके साथ भी टकरा सकते हैं, तो obviously एक collision का concept भी यहाँ हम लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। और जब ये molecules आपस में टकराएंगे, या molecule container की wall से टकराएगा, तो 100% momentum transfer कर देगा, ऐसा हम लोग यहाँ पे assume करके चलते हैं।
100% काइनेटिक एनर्जी इसकी लॉस्ट हो जाएगी, 100% वेलोसिटी इसकी खत्म हो जाएगी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन यहां पे होगा। ड्यूरिंग कोलिजन देयर वेलोसिटीज आर चेंज्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इनकी जो वेलोसिटी है कोलिजन के बाद या कोलिजन में क्या होती है, चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड वाइज भी चेंज हो जाती है और डायरेक्शन वाइज भी चेंज हो जाती है। द कोलिजंस आर परफेक्टली इलास्टिक, जैसा मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया। Thus, all internal energy of gases kinetic. तो देखिए, यहाँ मैं इस point number 5 को दोबारा celebrate करता हूँ, थोड़ा और बढ़ा के करता हूँ। The collisions are perfectly elastic पहली बार, and there are no force of attraction or repulsion between the molecules. Thus, all internal energy of the gas is kinetic. जब हमने internal energy की बात की थी previous chapters में, du की बात की थी, change in internal energy की बात की थी, तो वहां हमने दो तरह की energy को discuss किया था। पहला था काइनेटिक एनर्जी, दूसरा था पोटेंशियल एनर्जी। सब जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं फोर्सेस की वजह से होती है, तो यहां हमने आइडियल गैस के लिए फोर्सेस को जीरो कर रखा है, तो ये तो खत्म हो गई, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी में भी तीन पार्ट हो सकते हैं, डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 6 या 6 नंबर अजम्पशन, Between two collisions of a molecule move in straight path with a uniform velocity, the average distance covered by the molecule between two successive collisions is termed as mean free path. देखिए डिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनर से या अपने आप में टकरा रहे हैं। सपोज ये यहां टकराया तो जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की वो लैम्डा 1 की। अब सपोज ये यहां टकराया तो ये डिस्टेंस लैम्डा 2 ट्रेवल की। इसने ये यहां पे टकराया तो लैम्डा 3 डिस्टेंस ट्रेवल की। सपोज अब ये वाला मॉलिक्यूल यहां जाके टकराता है तो लैम्डा 4 डिस्टेंस ट्रेवल की। ऐसी स्थिति में दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो पाथ है इसे मैं कहता हूं फ्री पाथ। और इन सारे फ्री पाथ का मीन अगर मैं निकाल दूं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 ओवर 4, इट विल बी टर्म्ड एज मीन फ्री पाथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है मीन फ्री पाथ का। देन आफ्टर एजम्पशन नंबर 7, द कोलिजंस आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। कोलाइड, कोलिजन हुआ और एकदम से अलग हो गए। ऐसा नहीं है कि आपने क्ले लिया और दीवार के ऊपर फेंक दिया और वो उसके ऊपर चिपकी रह गई। इस तरह का कोलिजन नहीं होता, इंस्टेंटेनियस कोलिजन होता है। जस्ट लाइक बियर बॉल्स, बियर बॉल्स के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी होता है एज वेल एज इंस्टेंटेनियस। Dear students, assumption number 8, in spite of the molecular collision, the density remains uniform throughout the gas. I have already explained, dear students, what? Gravitational forces को भी हमने यहां ignore किया हुआ है। Gravitational forces भी काम नहीं करते हैं। Ultimately, collision के दौरान या collision के just after, क्या होगा बच्चों? जो density है, वो यूनिफॉर्म बनी रहेगी। डेंसिटी में कोई भी फर्क या कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये कोलिजन है डियर स्टूडेंट्स, जिनकी सारी डिस्क्रिप्शन हमने यहां पे दी हैं। आइडियल गैस के लिए जो एजम्पशंस हैं वो सारे के सारे हैं। तो 8 एजम्पशंस हैं। आप ऐसे मान लीजिए हाफ ऑफ मास के 4 तो 8 क्वेश्चंस यहां बन गए, तो 4 मास का कंटेंट तो यहां से ऐसे तैयार हो जाता है जिसमें से वो हाफ मास में आपसे कोई भी एक चीज पूछ लेता है। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क हम लोग करना चाहेंगे और मैथमेटिकल वर्क है हमारा एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन के नाम पे ऐसा मान लीजिए इस यूनिट की बिल्कुल ये बैकबोन है। इसी एक्सप्रेशन के बेसिस पे आगे के सारे डेरिवेशन होने हैं, आगे के सारे एक्सप्लेनेशन होने हैं। अगर आपको ये क्लियर होता है तो ही यहां से आगे आपको केबीजी समझ में आएगा। वैसे तो केबीजी का हर टॉपिक आने वाले टॉपिक के साथ में इंटरलिंक्ड है, लेकिन जब डेरिवेशन की बात करते हैं तो इस डेरिवेशन से ही लिंक होते हैं सारे के सारे आगे के डेरिवेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर मेरे को फाइंड आउट करना है, मेरी थ्योरी क्या होगी, मैं पहले एक फिलॉसफी या थ्योरी आपको समझाता हूं। देखिए, जब भी मैं प्रेशर निकालता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे फोर्स अपॉन एरिया की बात करनी होती है। अभी मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको।
जब भी प्रेशर निकालना होता है तो फोर्स ऑफ एरिया की बात करनी होती है डियर स्टूडेंट्स। फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही मैं फोर्स कहता हूं। बस बात बन गई डियर स्टूडेंट्स। अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना होगा, एरिया के साथ में उसको ट्रीट करना होगा, या मैं ऐसे कह सकता हूं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करता हूं तो ये मेरे पास होगा एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल ओवर डेल्टा टी इंटू ए। अब डियर स्टूडेंट्स मास तो चेंज होगा नहीं, मास चेंज नहीं होगा तो मैं क्या कर सकता हूं, मास को कॉमन ले सकता हूं, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ओवर डेल्टा टी इंटू ए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स यहां प्रेशर में भी बड़ा मजेदार सा केस है, क्या अगर मैं इस मास को लिख लूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो मजा आ जाता है। कैसे, प्रेशर इक्वल्स टू रो वी, वी इज हियर वॉल्यूम, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ओवर डेल्टा टी इंटू ए। डियर स्टूडेंट्स इस वॉल्यूम को जरा इधर ले जाओ, देखिए क्या होगा, दैट इज पी इंटू वी इक्वल्स टू रो, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ओवर डेल्टा टी इंटू ए। डियर स्टूडेंट्स ऐसे मान लीजिए आपका जो डेरिवेशन है वो तो हो गया, बस एक छोटा सा काम और करना होगा, ये डेल्टा टी, डेल्टा टी यानी चेंज इन वेलोसिटी के बीच का टाइम इंटरवल मेरे को नहीं पता। इस टाइम इंटरवल को निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, टाइम इंटरवल को मैं निकाल सकता हूं किससे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी टू टाइम से, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी। यहां से इस फॉर्मूले से मैं टाइम की वैल्यू को निकाल के यहां पे प्लेस करूंगा, मुझे ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम या मैं कह सकता हूं वर्क डन कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। देखो बच्चों मैंने कागज में सागर यहां आपको दे दी, आगे जो हमें पढ़ना है उसकी सारी फिलॉसफी मैंने दे दी, मुझे प्रेशर एग्जर्ट निकालना है, फोर्स अपॉन एरिया करूंगा, फोर्स अपॉन एरिया को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के टर्म्स में लिखूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी के टर्म्स में लिखूंगा, मास को प्रेशर इनटू सॉरी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के टर्म्स में लिखूंगा, टाइम को जो चेंज इन टाइम है इसको मैं क्या करूंगा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी लिखूंगा। डियर स्टूडेंट्स ये सारी की सारी चीजें हैं, इसी के बेसिस से मुझे डेरिवेशन करना है। नो डाउट अभी मैंने डेरिवेशन नहीं कराया है, आपको ओवरव्यू दिया है कि डेरिवेशन में मुझे करना है। चलिए आगे देखते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो, समझो इसमें हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, बाकी फिर मैं तो एलाबोरेट करूंगा इसे। क्या ऑब्जर्व किया आपने, चलिए आपने जो ऑब्जर्व किया बहुत अच्छा, मैं अब आपको बताना चाहूंगा। ये मैंने कोई यहां क्यूबिकल बॉक्स ले रखा है, इस क्यूबिकल बॉक्स की जो डाइमेंशंस हैं लेंथ ब्रेथ हाइट वो एक्स वाई और जेड है। मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, सपोज मॉलिक्यूल की वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, उसको तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैं तोड़ सकता हूं, x एक्सिस पे वी एक्स वेलोसिटी, y एक्सिस पे वी वाई वेलोसिटी, z एक्सिस पे वी जेड वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स ये गया जाकर के किसी भी एक सरफेस से टकराया मॉलिक्यूल, टकराने के बाद पर्टिकुलर एक डायमेंशन माइनस के साइन के साथ आ जाएगी क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इट मे बी एक्स एक्सिस और मे बी वाई एक्सिस और मे बी जेड एक्सिस। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स इस चीज को हम लोग और अच्छे से देख पाए। यहां से ये वेलोसिटी को मैंने रिजॉल्व किया है, एक्स एक्सिस का है, वाई एक्सिस का है, जेड एक्सिस यहां शो नहीं कर पाए, हम लोग टू डायमेंशनल फिगर है इसलिए। अब जरा देखिए कोलिजन के बाद, इस सरफेस से कोलिजन के बाद मैं जब ये लौटता है तो वाई एक्सिस पे कोई फर्क नहीं है, वाई एक्सिस उसी डायरेक्शन में,
लेकिन जो एक्स एक्सिस है जो मेरा इधर जा रहा था वो मेरा इधर आने लगा, इसलिए मैंने इसको माइनस वाई एक्स एक्सिस कह दिया। जस्ट लाइक वाई, जेड एक्सिस पे भी कोई फर्क नहीं होगा, यानी जब भी कोलिजन होगा तो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस की ही वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, बाकी दोनों सेम है। अब जो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स हैं, मैं ऐसा मान लेता हूं उनमें से 1/3 मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, 1/3 मॉलिक्यूल्स वाई एक्सिस के लिए ट्रेवल कर रहे हैं और 1/3 मॉलिक्यूल्स जेड एक्सिस के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। यानी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 1/3 मॉलिक्यूल्स का एक्स एक्सिस पे है, 1/3 मॉलिक्यूल्स का वाई एक्सिस पे है और 1/3 मॉलिक्यूल्स का जेड एक्सिस पे है। अब मुझे किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पे निकालना है, अब तीन ही तो इसमें डायमेंशन है एक्स वाई जेड, तो मैं टोटल प्रेशर को यहां पे काउंट करता हूं 1/3 से डिवाइड कर दूंगा, तो ऑब्वियसली मेरे को वन डायमेंशन का प्रेशर या प्रेशर एग्जर्टेड ऑन ए वॉल मिल जाएगा, पहली बात। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी बात, हम लोग यहां बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट की। मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो डियर स्टूडेंट्स गया वापस वहीं लौटा, फिर गया फिर वापस वहीं लौटा, एक कंप्लीट ट्रिप की अगर x की होती है तो ये 2x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक कंप्लीट ट्रिप में जो टाइम लगेगा उसे मैं कह सकता हूं 2x ओवर वेलोसिटी एट x एक्सिस। देखो यही मैंने आपसे कहा था और ये चीज यहां पे हम लोगों ने डायग्राम में मेंशन कर रखी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट 2x है कंप्लीट ट्रिप के लिए, टोटल टाइम अगर कंप्लीट ट्रिप में मैं t मानता हूं तो मैं इसे 2x ओवर vx के टर्म्स में दे सकता हूं। स्टूडेंट्स अब हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसी फिलोसफी मैंने आप लोगों को दी थी उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले मेरा काम होगा चेंज इन मोमेंटम निकालने का। चेंज इन मोमेंटम की बात करूंगा तो देखिए माइनस एमवीएक्स इक्वल्स टू माइनस टू एमवीएक्स। अब ये क्या है कैसे लिखा है जरा समझते हैं। स्टूडेंट्स मान लीजिए ये मॉलिक्यूल मेरा इधर गया, लौट के इधर आया, मैं अब ओरिजिन से दूर जाने वाली वेलोसिटी को क्या ले लेता हूं, प्लस की vx ले लेता हूं, जब लौट के आएगा तो माइनस की vx हो गई। अब अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो मैं क्या करता हूं, फाइनल वेलोसिटी दैट इज माइनस vx माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज vx। इस तरह से माइनस टू एम vx मेरे को चेंज इन मोमेंटम मिल गया। चेंज इन मोमेंटम के लिए मैं इस पूरे को m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स ये चेंज इन मोमेंटम किसका है, मॉलिक्यूल का है, जो मॉलिक्यूल यहां से दौड़ता हुआ गया था टकराने के बाद वापस लौट के आया उसका चेंज इन मॉलिक्यूल। अब अगर मैं वॉल को कंटेनर की दीवार को मिलने वाले चेंज इन मोमेंटम की बात करता हूं तो वो प्लस का 2mvx हो जाएगा, यानी जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम मॉलिक्यूल का हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम किसको मिलने वाला है, वॉल को। मैं प्रेशर एग्जर्टेड ऑन वॉल्स निकाल रहा था तो चेंज इन मोमेंटम मेरे को किसका निकालना है, वॉल का निकालना है। इसको मैंने यहां मेंशन भी किया, इंपार्टेड टू वॉल दैट इज इक्वल टू 2mvx। डियर स्टूडेंट्स हाफ ऑफ सच मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टुवर्ड्स द वॉल एंड अदर हाफ अवे फ्रॉम द वॉल। यानी जो टोटल मॉलिक्यूल थे, मैं ऐसे मान लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास 6 मॉलिक्यूल थे तो 6 में से 2 मॉलिक्यूल गए x एक्सिस, 2 गए y एक्सिस, 2 गए z एक्सिस। अब 2 में से 1 गया प्लस z एक्सिस, 1 गया माइनस z एक्सिस, 1 गया प्लस x एक्सिस, दूसरा गया माइनस x एक्सिस। तो अभी मैंने x y z यानी 1/3 डिवाइड करने की बात नहीं की है, अभी जो x एक्सिस पर मॉलिक्यूल चल रहे थे उन्हीं मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिवाइड करने की बात की है जो मैंने यहां पे मेंशन किया। Half of such molecules are moving towards wall and other half away from wall. यानी at a time half molecules इधर और half molecules इधर जा रहे हैं। Dear students, इस behalf पर मैं बात कर सकता हूं easily उन number of molecules की जो wall को hit कर रहे हैं। They will be what? Number of molecules hitting wall of area A in time t. 1/2 factor किस लिए आया? क्योंकि आधे molecules लेफ्ट में थे आधे राइट में थे। एरिया ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी, ये वी एक्स क्या है वेलोसिटी, डेल्टा टी टाइम।
मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट एक नया और आ गया, उसको भी मैं समझ लेता हूं। कैसे समझिए, मान लीजिए ये मेरे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो v है और इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। अगर मैं इसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं, उसको स्मॉल n लिखूं, दैट इज v अपॉन कैपिटल n। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है जिसको हम लोगों ने यहां पे लिखा है। तो इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग वॉल ऑफ एरिया ए इन टाइम टी, यूनिट एरिया में कितने कर रहे हैं, ए एरिया में कितने करेंगे, डेल्टा टी टाइम में कितने हिट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, इन तीनों चीजों से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये कॉन्सेप्ट मिल गया। अब ये टोटल मोमेंटम की बात करते हैं। ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एक एटम जो मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा था उसको मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल मोमेंटम आ जाएगा डेल्टा पी। टोटल मोमेंटम ये एक मॉलिक्यूल की वजह से मोमेंटम इंपार्ट हो रहा था, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अल्टीमेटली मेरे पास ये टोटल मोमेंटम आ गया जो दीवार को डेल्टा टी टाइम के अंदर मिल पाए। अब स्टूडेंट्स मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल, जब मेरे पास डेल्टा बी आ गया सारे मॉलिक्यूल्स को लेकर के, तो मैं फोर्स भी निकाल सकता हूं डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। इस तरह से ये मेरे को मिल जाएगा, यहां डेल्टा टी कैंसिल आउट होकर के एन एम वी एक्स स्क्वायर इनटू ए। प्रेशर की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर मेरे पास फोर्स अपॉन एरिया होता है, मैंने यहां से पी इक्वल्स टू एन एम वी एक्स स्क्वायर निकाल दिया। अब डियर स्टूडेंट्स ये वी एक्स स्क्वायर जो है मैं इसको रिप्लेस करता हूं वी एक्स स्क्वायर बार से। अब ये वी एक्स स्क्वायर बार क्या है ये समझ लीजिए। इस तरह से मैंने प्रेशर जो निकाला वो एन इंटू एम वी एक्स बार स्क्वायर निकाला, यानी जो बी एक्स बार स्क्वायर है वो एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर है। डिस्टेंस एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, m एक मॉलिक्यूल का मास है। अब डिस्टेंस अगेन एक नया एजम्पशन, क्या कि गैस हमारी आइसोट्रोपिक है। गैस आइसोट्रोपिक मतलब सीधी सी बात है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस तीनों पे बराबर बराबर ट्रेवल कर रहे हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। आइसोट्रोपिक है तभी ये पॉसिबल है, इसको हमने सिर्फ साइंटिफिक लैंग्वेज में लिख दिया है। डिस्टेंस ये कहता है so the molecules molecular velocities are almost equally distributed in different directions by symmetry, abelian x axis pe barabar hai y axis ke barabar hai z square। ab no doubt isko maine total velocities ka kya kar diya 1 by 3 kar diya, jo maine abhi aaj tak beginning mein diya tha ki 1 by 3 molecules x axis pe travel kar rahe hain, 1 by 3 y axis pe kar rahe hain aur 1 by 3 z axis pe kar rahe hain। is tarah se mere ko yahan जो वेलोसिटीज का इफेक्टिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो 1 by 3 v स्क्वायर मिल गया। डियर स्टूडेंट्स अब मैं सीधे सीधे इस वैल्यू को यहां पर प्लेस करता हूं तो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए वॉल इज इक्वल्स टू 1 by 3 n m v स्क्वायर। अगेन डियर स्टूडेंट्स मैं इस मास को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखने की बात करता हूं, तो दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो n इनटू m। अब देखिए यहां समझ लीजिए, थोड़ा सा यहां पे आपको एक बात को ध्यान से समझना होगा। क्या समझना होगा डियर स्टूडेंट, देखिए इस कंटेनर के अंदर जो टोटल गैस का मास है वो कैपिटल एम है। अब यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो एन है, एक मॉलिक्यूल का मास एम है, तो मैं लिख सकता हूं कैपिटल एम इक्वल्स टू एन इंटू स्मॉल एम। डियर स्टूडेंट इसी चीज को हम लोगों ने यहां पर प्लेस किया, दैट इज हियर मास अपॉन वॉल्यूम। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैं इसमें इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी बात करता हूं तो दैट इज प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डियर स्टूडेंट्स
इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोगों को आगे की सारी चीजों को डिस्कस करना है। आज की क्लास को मैं यही विराम दे रहा हूं या यही रोक रहा हूं, आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर इस डेरिवेशन में जो प्रेशर का हमने निकाला है कहीं भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, आगे की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।